नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का सीरघाटी में हुआ भव्य स्वागत, राजद पर जमकर साधा निशाना। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा, अरुण चंद्रवंशी, अभिषेक अग्रवाल, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव वारिस अली खान, जिला महासचिव तबरेज खान आदि लोग शामिल थे। गजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। मैं गया में प्रभारी मंत्री के तौर पे आता था, करीब एक साल ही मौका मिला था। अब फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई, जो घुसपैठ कर गए थे आरजेडी के लोग बिना चुनाव जीते हुए। 2020 में तो मैंडेट मिला था उनको विपक्ष में बैठने का, लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा के वो सरकार में घुसपैठ कर गए थे। कार्बन जब आता है तो ऑक्सीजन जब रहता है तो कार्बन निकल जाता है, कार्बन की तरह वो घुस गए थे। बीजेपी ऑक्सीजन की तरह इस सरकार में आ गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी। ऐसे तो अब 17 महीने ही है और एनडीए अलायंस पूरी तरह ख़त्म हो गया। नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के नींव थे, जब नींव ही ख़त्म हो जाए, छत पे ममता जी थी जो कांग्रेस को काला झंडा दिखा रही, नींव में नीतीश कुमार जी थे, तो अब एनडीए अलायंस ख़त्म हो गया है। बनने से पहले ही एनडीए अलायंस का नाम लेवा कोई नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं और आज 9 विभाग दोनों को मिल गया है। 5 विभाग गया के अपने प्रेम कुमार जी को भी मिला है, 23 विभाग है ये, और मांझी जी को भी मिला है, बाकी जदयू के पास है। पहले हम लोग विधानसभा में को फेस करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लांटेन युग खत्म हो गया, अब वंदे भारत की स्पीड वाला इंजन लग गया है, मोदी का इंजन। अब बिहार में डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, उद्योग लगेगा। जो उद्योग की गति धीमी हुई थी उसमें और रफ्तार आएगी, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। बीजेपी जेडीयू के जो वर्कर हैं वो भी नीचे बहुत खुश हैं, गले मिल रहे हैं, पुराने गिले शिकवे दूर करके हम लोग इकट्ठे होके काम करेंगे और पूरे मन से एक दूसरे के साथ काम करेंगे।